इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहां मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारे फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनब्ले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। इंडिया के हाईवेज सिर्फ रोड्स ही नहीं हैं, दिस इज अ कल्चर इन इटसेल्फ। ऐसे लोग, ऐसी स्टोरीज की ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो पहुंच गए हैं बरखुरदार एडवर्ड पंजाब के हाईवेज पे, पीने ढाबे की लस्सी और करने कुछ मौज मस्ती। लेकिन इस मूवी के असली सुपरस्टार हैं इंडियन हाईवेज के ब्यूटीफुल ट्रक्स। ये ट्रक्स किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है। इन ट्रक्स का मेकअप देखा है कभी? This is what is called truck art. Trucks पर बनी इन पेंटिंग्स और कहावतें, ये सिर्फ इंडिया में दिखता है। तो चलो, फिल्म बनाने के लिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी, है ना? तो इंडिया में जैसे ट्रक्स होते हैं मैंने कहीं नहीं देखा पहले, तो मुझे दिखाओ ना किस किस के ट्रक है। चलो, और कैसे से जाते हैं, चलाओ दिखाते हैं, आ जाओ। जी, दिस इज बैक इन द 1500s जब मुगल किंग्स यूज्ड टू रूल। वो टाइम पे उनका उन्होंने काफी आर्टिस्ट को सपोर्ट किया था, उनका पेटरेज हुआ करता था। बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ यू नो किंग्स उन्होंने अपने कैरेजेस को, अपने सामान को, ट्रंक्स को, पेटियाँ होते वो उन पे काफ़ी काम कराया था आर्टिस्ट से, एंड द आर्टिस्ट एंजॉयड इट। जब मुगल रूल ख़त्म हुआ तभी पेटर्नेज भी ख़त्म हो गया। द आर्टिस्ट हैड नो अदर मीन्स, तो उन्होंने स्टार्ट किया नया मीडियम ढूंढने को। ट्रक कला जो है वो उतनी पुरानी जितनी की ट्रक है, जो कि 1950s में हिंदुस्तान में आई। मतलब 50s हम कह रहे हैं पर दिस इज लाइक 40s एंड 30s आल्सो। 1900s में वो टाइम पे ट्रक्स नहीं होते थे, वो टाइम पे वी हैड डोंकीज, कैमल्स, हॉर्सेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है उसके लिए फ्रॉम द पोर्ट्स टू रेलवे स्टेशन, उसके लिए ये एनिमल्स को यूज़ करते थे विद देयर कार्ट्स। सो कार्ट हैड गुड कैपेसिटी और उस पर काफ़ी सरफेस था जिसे लोग डेकोरेट करते थे। ये हमारी निशानी है, हमारा लोगो है, सिख धर्म का लोगो है खंडा, और बाज हमारे पंजाब की हर गाड़ी पे मिलेगा लगा हुआ। अच्छा, ये मैंने बहुत देखा है, लेकिन इसको इसको क्या कहते हैं और इसको क्यों से जाते हैं? इसे डोरी बोलते हैं, डोरी, ये डेकोरेशन के लिए है। इसको पंजाबी में बोलते हैं परांदा। परांदा, जैसे बुरी नज़र से ये ब्लैक रंग को बढ़िया मानते हैं, बुरी नज़र से लगाते थे ये। ठीक है, गाड़ी के पीछे क्या लिखा है, चले? चलो, ओके। कितना टायर है? 22 टायर। देखो, जट दी पसंद। You see, this is what I'm talking about. Love janam, samjha karo, pyar ki gadi, prem ki mala. Kitna sara pyar milta hai India roads pe sabko. Jitne bhati bhati truck owners hai, utni bhati bhati kala hai. Aur usme usi qisim ki jo ek uniqueness, ek insaan mein nazar aati, wo truck mein dikhne lagti hai. Chalo, aur kya hai? Dekhte hain. अच्छा, ये देखो, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये मेरे लिए तो चलते फिरते क्लासरूम की तरह है। आई जस्ट लव लुकिंग एट ऑल दीज वर्ड्स ऑफ विजडम एवरीवेयर। तो ये सब किधर होता है, ये पेंटिंग वेंटिंग? मुझे देखना है।
ये तो अमृतसर में होता है, अमृतसर जाना पड़ेगा, जहाजगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा ठीक है, तो अमृतसर में एक जहाजगढ़ है, तो आई थिंक आई एम गोना फाइंड आउट वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस। लेट्स गो। ट्रकार रिलीजियस आर्ट से स्टार्ट हुआ था एट वन पॉइंट, और धीरे धीरे वो चेंज होने लगा, लोग कैलीग्राफी करने लगे, लाइंस आने लगे धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली फिर अभी आपको उसमें बहुत सारे विटी वन लाइनर्स दिखेंगे, जस्ट एम्ड एट द ड्राइवर बिहाइंड यू, एंड यू नो जो आप देख के आप यू नो यू विल एंड अप लाइक स्माइलिंग। जहाजगढ़ बिल्कुल सही नाम है इस जगह का। इट्स ए सी ऑफ ट्रक्स। यह है ट्रांसपोर्ट नगर, और मुझे पता चला कि हर शहर में ऐसी जगह होती है। छोटे बड़े हर तरह की व्हीकल्स यहीं पे आते हैं फॉर डेंटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, और बेचारे डिसमेंटल होकर जंकयार्ड में भी यहीं से जाते हैं। एंड द सर्कल ऑफ लाइफ इज कंप्लीट। लेकिन I still don't have my answer. इन रंगीन ट्रक्स का हेरोइन वाला मेकअप क्यों होता है और कहां किया जाता है, कोई बता सकता है क्या? ट्रक जो है वो दुल्हनों की तरह सजाई जाती है, क्योंकि ट्रक का मालिक चाहता है और वो अपनी ट्रक को एक दुल्हन के स्वरूप में, ये देखा गया ज़्यादातर समझते हैं ट्रक के जो ओनर्स हैं कि ये उनकी दुल्हन है और इसको इनको सजाना है। जैसे लोग घर को भी दुल्हनों की तरह सजाते हैं, कहते हैं ये हमारे यहाँ का बहुत एक सेंटिमेंट है, एक सेंसिबिलिटी है कि दुल्हन सजाई जाती है तो जिस चीज़ को आप सजाइए वो दुल्हन बन जाती है। तो ये है सेंसिबिलिटी। बाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ वो पेंटिंग का जगह। आप पेंटिंग करते हैं आप? नहीं, मैं मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ पेंटिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है? हाँ, ये मेरा ट्रक का। अच्छा मस्त है। और ये आपका नाम? हाँ जी, ये मेरा नाम है। अच्छा, तो ये सब पेंटिंग सजावट इधर ही होता है ना? नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत काम होता है, जो इसका मेन काम है ना पेंटिंग का, वो सरहंद में होता है। सरहंद? हाँ, सरहंद। वो किधर है? वो यहाँ से 200 किलोमीटर में। 200 किलोमीटर? अरे बाप रे। ना कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी का भी उधर का ही रूट है, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। मुझे अपनी ट्रक में ले जाएंगे? बिल्कुल, तो चलो चले। अरे वाह, देखा, जहाँ जाओ लोग हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। चलो सिरहान। बाहर से नहीं लगता लेकिन अंदर से ये ट्रक नहीं है, पूरा 1 BHK on wheels। बहुत बढ़िया। वो ऐसे ना, ज्यादा समय हमारा इसी गाड़ी में निकलता है ना, तो इसको हमने घर जैसा ही बना के रखा। स्पेशियस है, कंफर्टेबल, कुशन्स, मैं तो पूरा फैल गया। और जैसे बाहर है अंदर में भी कितना मजा आ रहा है। देखो, हार्ट्स, फ्लावर्स, got nice paintings, भगवान और उसकी मूर्तियाँ। एक चुड़िया, पाजी एक चुड़िया क्यों रखा है? ये चुड़िया हमारी बीवी की याद दिलाती रहती हैं, और जो गाड़ी है हम अपनी बीवी की तरह इसको शिंगार के रखते हैं। अच्छा, बीवी? हाँ, जिसको पंजाबी में बोटी बोलते हैं। अच्छा, तो हाँ, मतलब मैं इसको भाभी मानूं? बिल्कुल। तेरी पेरी पाव ने बाबू जी। मित्रा दा चलिया ट्रक नहीं, चुप करके बह जा। मित्रा दा चलिया ट्रक नहीं, चुप करके बह जा। वाह 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 वाह, कभी सॉन्ग की लिरिक्स, कभी लाइफ की फंडे, इन ट्रक्स के पीछे सब लिखा मिलेगा। बट देयर इज वन थिंग दैट इज ऑलवेज देयर, हॉर्न ओके प्लीज। लेकिन क्यों है पाजी, आपको मालूम है ये हॉर्न ओके प्लीज हमेशा क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या है हॉर्न ओके प्लीज? इसका मतलब है कि कृपा करके हॉर्न बजाएं जब गाड़ी ओवरटेक करनी।
पास करने के वक्त? हाँ, पास करने के वक्त। अच्छा, टाटा मोटर्स के जो ट्रक्स है उनपे टाटा का एक डिटर्जेंट होता था ओके करके, और उसका एक सिंबल होता था कमल का। उन्होंने अपने ट्रक्स पे ये ओके का जो सिंबल है वो स्टार्ट किया था। ये सब स्पेकुलेशन है। ट्रकों पे ओके के ऊपर हरी और लाल बत्ती भी होती थी, जो कि एक तरीके से सिग्नल का काम करती थी कि पीछे की गाड़ी ट्रक को ओवरटेक करे कि ना करे। तो पीछे की गाड़ी हॉर्न प्लीज करती थी, और अगर ट्रक वाला चाहता था तो या तो हरी बत्ती जलाता था या लाल बत्ती जलाता था, जैसे कि सामने की सूरत होती थी। जो ट्रक से वो केरोसिन पे चलता था, एंड टू वार्न द गाड़ी बिहाइंड दे यूज्ड टू यू नो से दैट इट्स ऑन केरोसिन। सो ओके वहाँ से आया, बिकॉज केरोसिन पे चलने वाले ट्रक्स आर काफ़ी यू नो डेंजरस। स्लाइट एक्सीडेंट से इट वुड बी अ बिग यू नो मिसहैप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हम बॉडी का काम करते हैं। बाहर से कस्टमर आता है, लेह लद्दाख से, कश्मीर से, हिमाचल से, वो बॉडी बनाने के लिए आता है। ये डीलर से चासी लेकर आते हैं, उसके बाद फिर बॉडी यहाँ लगवाते हैं। अच्छा, तो सब जगह से ट्रक्स नंगे इधर ही आते हैं, फिर बॉडी और वो बेस बनता है। हाँ, सब कुछ बना के देते हैं, सीटें वगैरह पेंट वगैरह करा के देते हैं। अच्छा, वो पेंट वगैरह किधर किधर होता है? ये साइड में होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ट्रक आते हैं, ट्रक आता है, उसके बाद हम इसके ऊपर सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर लगाते हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज में जाला बोलते हैं। फिर इसके पीछे हम बत्ते लगाते हैं, और उसके बाद फिर एंगल वगैरह लगाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर अंदर में कैबन का काम होता है, अंदर में प्लाईवुड डेकोरेटेड काम होता है, बाहर से शीट्स वगैरह लगा के इसको बंद किया जाता है। बॉडी में लकड़ वगैरह लगा के पेंटिंग के लिए गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। फिर इसके ऊपर पेंट होता है, फिर उसके बाद रेडियम टेप होती है, और खूबसूरत सी गाड़ी आपके आगे तैयार हो जाती है। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? मेरा नाम एडवर्ड है। और मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। नाइस टू मीट यू। मी टू। तो आप इधर पेंटिंग करवाते हैं? जी जी जी। हाँ, तो ये मेन जगह है कि सब ट्रक्स की पेंटिंग होती है? बिल्कुल, ये एक मेन मार्केट है इसका, जो पूरी एशिया की, मैं समझ लेता हूँ एशिया की है यहाँ पर। अच्छा, हर स्टेट से गाड़ी आती है, अपना काम करवा के जाती है यहाँ से। मुझे बताया गया कि ड्राइवर्स को अपनी ट्रक्स वाइफ जैसी है। बिल्कुल, घर जैसा। तो ऐसा होता है? बिल्कुल सही आपने सुना, ये एक्चुअली अपना घर होता है ड्राइवर का। घर में ये दो दिन रहते हैं ज्यादा, रोड पे ही रहते हैं। और अपने घर को हर एक सुंदर रखना चाहते हैं। जैसे भी बंदे की गाड़ी बन रही है, इसने यहाँ पर लाइन बनाना चाहा, इसकी शौक है। अभी ये दूसरी गाड़ी अपने में, इसने कश्मीर का पत्ता बनाना चाहा। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई और बनाना चाहता है, ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं। और लोगों की मर्जी से बनती है गाड़ी, हमारी मर्जी से नहीं बनती है। धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि ड्राइवर्स के लिए ये सिर्फ ट्रक ही नहीं, घर भी है। घर हो तो अच्छा दिखना चाहिए, ये सिर्फ ओनली इन इंडिया होता है। अच्छा, मुझे कुछ पेंट करने देंगे? बिल्कुल, कर सकते हैं। थैंक यू। नॉट बैड, नॉट बैड। बहुत बढ़िया है, लेकिन उस्ताद जी मुझे बोल रहे थे कि अभी भी खाली लग रहा है, कुछ काम बाकी है। क्या काम है मैं दिखाता हूँ। ये सब राइटिंग वाइटिंग, वो लेटर्स जो आता है ट्रक्स पे, मैं भी सोच रहा था कि ये सब भी हैंड से पेंट किया है, लेकिन एक्चुअली स्टिकर्स हैं रेडियम का। अभी जा रहा हूँ एक ऐसी जगह में जहाँ रेडियम का काम करते हैं। चलो, थैंक यू उस्ताद जी। थैंक यू।
रेडियम स्टिकर्स होते हैं बेसिकली, जब लाइट मारा जाता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है एंड उसके वजह से क्लियरली मार्क्ड आउटलाइन आता है उसको ट्रक का. सो रेडियम्स मेड सेंस ऑन लॉन्गर जर्नीज जहाँ पे यू नो द रोड्स आर रिस्की, क्योंकि इतना रेडियम लगा होता है पूरा चमकता है, रिफ्लेक्ट होता है. ट्रक को पेंट करना एक आर्ट है, आर्ट. चार चांद लगाने के लिए ये रेडियम स्टिकर्स लगाए जाते हैं. और हमारे साथ है सबसे फेमस रेडियम स्टिकर वाला अमनदीप सिंह. तो बताइए, आप सब कुछ बना सकते हैं, कुछ भी? हाँ जी सर, डिजिटलाइज तरीके से और कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो कुछ भी कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकता है और उसको ट्रांसफर किसी भी सरफेस पे किया जा सकता है. ट्रकों पे भी उसका खूब इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही आर्ट को उसने दिलचस्प बना दिया है, ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है. देखो, इंडिपीडिया. बहुत बहुत शुक्रिया अमन भैया, अच्छा लग रहा है. तो और एक बात है, ये सब लेटरिंग करते हैं लेकिन मैंने देखा कि वो शेप्स डिजाइंस भी करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी. जैसे लाइक ये सब मैंने देखा, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस, अंबे माँ, बेबी कृष्णा, और सिख धर्म भी मिलता है ऑफ कोर्स. लेकिन एक चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये? क्या है सर ये? इसको नज़र बट्टू कहते हैं. जो लक जो एक फैक्टर होता है, वो मेजर फैक्टर होता है, यू नो, ड्यूरिंग दीज लॉन्ग आर्डियस जर्नीज, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे सफ़र पे निकल पड़ते हैं, काफ़ी दिनों तक घर से यू नो दूर रहते हैं, प्लस जो डेंजर फैक्टर है. तो इससे काफ़ी ट्रक्स पे आपको दिखे कि दे वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ वार्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ ईविल. सो आपको लाइन्स दिखेंगे जैसे बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, या आपको वो नज़र बट्टू फेसेस दिखेंगे कलरफुल. कुछ लोग शूज़ हैंग करते हैं और यू नो डिफरेंट दीज यू नो सुपरस्टिशियस व्हाटएवर सिंबल्स जो काफ़ी रिकरिंग है मोस्ट ऑफ द ट्रक्स थ्रू आउट इंडिया. काला रंग जो है वो बददुआओं को, बुरी नज़र वालों को दूर करता रहता है अपने कालेपन से. नींबू मिर्ची इंडिया में एक तरीके का टोटका माना जाता है. नींबू मिर्ची और कोयले का छोटा सा टुकड़ा, तीनों ही नजर बांधने और उतारने के लिए होते हैं. कहा जाता है कि इन तीनों को दरवाजे पे बांधने से अलक्ष्मी घर कारोबार से दूर रहती है. Now it all makes sense. जैसे हम अपने बेबीज को काला टिक लगाते हैं, हमारा ब्यूटीफुल ट्रक्स को भी नजर से बचाने के लिए कुछ तो करना है. पूरी नजर वाला तेरा मुंह काला. में अगर हर जगह आर्ट है तो हर जगह फेथ भी है. देखो ये नींबू मिर्ची, ये जल जीरे के लिए नहीं है, इससे बुरी नजर दूर भाग जाती है. अब देखने दो किसी को भी, हमारे पास नींबू मिर्ची की शक्ति है. इतना सब देखने समझने के बाद भी ट्रक आर्ट की पूरी कहानी का सारांश इतना आसान नहीं. जहाँ ये चित्र और श्रृंगार ट्रक ड्राइवर्स को घर से जोड़े रखते हैं, वहीं ये ट्रक्स कभी खुद ही घर बन जाते हैं. हर ट्रक ड्राइवर की अपनी पर्सनल पहचान है ये ट्रक्स. तो कैसी लगी मेरी गाड़ी? इंस्पायर होके मैंने भी गाड़ी सजा ली. इंडिया में हर जगह मौजूद ये ट्रक आर्ट हमेशा से मुझे बड़ा दिलचस्प लगा है, और आप धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये सिर्फ आर्ट नहीं, इसके पीछे एक पूरा कल्चर है. और इस कल्चर को आगे बढ़ाने वाले हमारे दिलदार सबके यार ट्रक ड्राइवर्स हैं. इनके काम, इनके ट्रक्स, ट्रक्स में बने छोटे छोटे घर, सारी कहानियाँ, इट्स अ होल ब्यूटिफुल वर्ल्ड.
इंडिया के बारे में जितना जानता जाता हूं उतने नए सवाल सामने आ जाते हैं एंड दैट्स व्हाई वी लव इट। तो चलो और जवाब ढूंढे, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.